वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड 3D शेप से एक्सरसाइज 13.4 विच इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यूज पाई इक्वल टू 22/7। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ग्लास जो है फर्स्ट टर्म के शेप का है, जिसका हाइट मेरे पास है 14 सेंटीमीटर और इसका जो टू एंड्स है उसका डायमीटर्स मेरे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका ये है मेरे पास, ये जो अपर पार्ट का जो है मेरे पास, ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसका बेस का जो है डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस हो गया, उसका हाफ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और हाइट दिया, एच दिया है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ अपर बेस ऑफ ग्लास आर वन दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, लोअर बेस ऑफ ग्लास आर टू दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर, हाइट है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी ये ग्लास का जो है ये ग्लास का कैपेसिटी कितना है, मतलब ये अगर वाटर रखा जाए तो कितना वाटर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होगा वही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ठीक है, तो ये मेरे अब हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, आर वन है मेरे पास, ये लोअर बेस का है रेडियस और ये अपर बेस का रेडियस है आर टू, तो सभी का वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पर 1/3 पाई हो गया, एच का वैल्यू 14, आर वन दैट इज 2 का स्क्वायर, आर टू मीन्स 1 का स्क्वायर, आर वन इंटू आर टू 2 × 1। सॉल्व कर देंगे इसको, 308/3 दैट इज इक्वल टू 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, एक फ्रस्टम है जिसका मेरे पास स्लैंट हाइट दिया, मतलब एल का वैल्यू दिया है मेरे पास 4 सेंटीमीटर और ये सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो मेरे पास दिया है 18 और 6, यानी अपर एंड का दिया 18 और लोअर एंड का दिया 6। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, पेरीमीटर और अपर एंड इक्वल टू 18, तो पेरीमीटर और अपर एंड मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर वन। इसको हम आर वन ले लिए हैं अपर एंड का रेडियस को, तो आर वन इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 9/पाई। उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवेन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर टू इक्वल टू 6। आर टू ले लिए यहाँ पर, लोअर एंड का हम रेडियस ले लिए, तो इस तरह से आर टू आ गया 3/पाई। स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवेन। अब हमको निकालना था कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल। वैल्यू पुट अप कर देंगे, पाई इंटू 9/पाई प्लस 3/पाई, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, पाई इंटू 9 प्लस 3/पाई इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा, पाई पाई कैंसिल आउट, 12 × 4 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट अ फेज द केप यूज्ड बाय द ट्रस इज शेप्ड लाइक अ फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। ठीक है, इसमें क्या है, एक एक तुर्की टोपी है, टक्स्ट्रो कैप जो है जिसको कहते हैं, जो क्या है इसमें, जिसमें मेरे पास दिया, जिसका स्लैंट हाइट मतलब एल का वैल्यू दिया है वो 15 सेंटीमीटर और उसका अपर बेस जो है यहाँ पर, ये अपर साइड का जो है इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और जिस साइड में ओपन है लोअर साइड में वो क्या है मेरे पास, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अपर एंड आर टू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड दैट मीन्स आर वन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द फेज, जो फेज को बनाने में जिसमें हमको मटेरियल का यूज करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा,
सीएसए ऑफ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम का सीएसए लगेगा प्लस ये अपर साइड ये क्लोज है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अपर बेस का क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, जो अपर साइड का सर्कुलर एंड है उसका भी एरिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका सीएसए जो हो गया, ये सीएसए हो गया पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल, और ये जो अपर एंड है इसका, अपर सर्कुलर एंड जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स पाई आर टू एस पाई, वैल्यू पुटअप कर देंगे पाई। ये मेरे पास आर वन दिया हुआ था 10, आर टू इज 4, एल इज 15, यहाँ पर पाई आर टू स्क्वायर दैट मीन्स पाई इंटू 4 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको, ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, पाई इंटू 14 इंटू 15 प्लस ये पाई इंटू 16, पाई को कॉमन ले लेंगे 210 हो गया ये प्लस 16, ये टोटल आ जाएगा 226, और पाई का वैल्यू है 22/7, सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4972/7, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर फॉर द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। ठीक है, ये जो तुर्की टोपी बनाया जाता है इसको बनाने में मेरे पास कितना मटेरियल का यूज करना पड़ेगा वो है, उसका एरिया है मेरे पास 710 होल 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल्ड द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इट्स कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें क्या दिया है, एक कंटेनर है जो ओपन है इस तरह से, ठीक है, ये कंटेनर है जो टॉप पर क्या है वो ओपन है, ये क्या है मेटल शीट से बना हुआ है, ये जो कंटेनर है ये मेटल शीट से बना हुआ है ये, और ये किस फॉर्म का है, फ्रस्टम के शेप का है, जिसमें मेरे पास दिया है कॉन ऑफ हाइट, जिसमें मेरे पास हाइट दिया है मेरे पास 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई, दो रेडियस दिया है, ये अपर एंड का रेडियस दिया है मेरे पास 20 सेंटीमीटर और लोअर एंड का रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब मेरे पास दिया हुआ है। हमको क्या करना है इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, हमको इसमें जो मिल्क अगर हम रखते हैं इसमें तो मिल्क का कॉस्ट निकालना है विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, जो क्या रहेगा कंटेनर में मिल्क भरा हुआ है उसका कॉस्ट कितना होगा, एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, जिसमें क्या है एक लीटर का प्राइस है ₹20, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल, हमको मेटल का भी कॉस्ट निकालना है, मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट्स कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो कंटेनर को बनाया गया ये मेटल से बनाया हुआ है तो इस मेटल का भी हमको कॉस्ट निकालना है, ठीक है, जिसमें मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का कॉस्ट है ₹8, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मेटल शीट मेरे पास कितना लगा उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा सी एस सी ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस, तो इससे मेरे पास उसका एरिया निकल जाएगा, और 8 रुपीज़ करके है तो जितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, तो उससे मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लेंगे और जितना का निकालना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियस ऑफ अपर एंड आर वन इक्वल टू कितना है मेरे पास 20, तो आर वन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड आर टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कंटेनर एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये सब मेरे पास गिवेन था। सेलेंट हाइट इससे हम फाइंड कर सकते हैं, सेलेंट हाइट फ्रस्टम में क्या होता है आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे आर वन का वैल्यू 20 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन 16 स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास 20 माइनस 8 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144 प्लस 256 टोटल 400 आ गया, 400 का रूट आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी ये मेरे पास जो आया है वैल्यू वो क्या किसका है एल का है, यानी एल मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि जो कंटेनर मेरे पास जो है कंटेनर किस शेप का है फ्रस्टम के शेप का है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसका लगा देंगे 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है,
अब यहाँ पर यूज करने बोला था पाई का वैल्यू 3.14, तो जहाँ भी यूज करने बोलेगा पाई का वैल्यू 3.14, तो वहाँ पाई 3.14 का ही यूज करेंगे, 22/7 का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पुटअप कर दिए, और ये एच का वैल्यू है 16, और ये आर वन का वैल्यू, ये आर टू का वैल्यू, और ये आर वन इंटू आर टू का वैल्यू, सबका वैल्यू हम पुटअप कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास, तो ये क्या आएगा 1/3 इंटू 3.14, एच का वैल्यू 16 है, मल्टीप्लाई में 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 दैट इज 160। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3.14 इंटू 16/3 इंटू 624, ये सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जा रहा 624। अब ये 624, 3.14 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 31,349.76/3। अब इसको 3 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जा रहा है मेरे पास 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10,449.92/1000 लीटर। सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट और ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.449 लीटर। इसको हम 10.45 लीटर भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास हो गया कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू 10.45 लीटर। अब मेरे पास दिया है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू ₹20, ठीक है, 1 लीटर मिल्क का दिया है मेरे पास ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क इक्वल टू 10.45 इंटू 20, क्योंकि 1 लीटर का हमको प्राइस दिया, अब जितना भी लीटर का हमको निकालना होगा तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो रुपीज़ आ गया 209, यानी 10.45 लीटर मिल्क का प्राइस हो जाएगा 209 लीटर। और कंटेनर में मेरे पास कितना मिल्क ले रहा है 10.45 लीटर, यानी कंटेनर में जितना भी मिल्क लेगा उसका प्राइस हो जाएगा ₹209 एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इक्वल टू, ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं इसका, तो एरिया हमको मेटल शीट कितना लगा है तो उसके लिए देखते हैं फ्रस्टम में। फ्रस्टम में क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा, क्योंकि उसका CSA में मेरे पास मेटल शीट लगा हुआ है और फिर बेस में लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर इन दैट इज पाई आर टू स्क्वायर, और CSA ऑफ फ्रस्टम मीन्स क्या हो जाएगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। वैल्यू पुटअप कर देंगे, पाई आर वन का वैल्यू, आर टू का वैल्यू, एल का वैल्यू, और ये आर टू का वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जा रहा है पाई इंटू 28 प्लस इंटू 20 प्लस 64 पाई, दैट इज इक्वल टू 560 पाई प्लस 64 पाई इक्वल टू 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मेटल शीट है उसको बनाने में, हमको कंटेनर को बनाने में मेटल शीट का यूज करना पड़ेगा कितना, 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इक्वल टू ₹8, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का प्राइस कितना दिया है ₹8। देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो हम एक 100 सेंटीमीटर का दिया था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8/100 हो जाएगा, उसके बाद जितना का निकालना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया एक ही बार में हम लिख दिए 8/100 इंटू 624 पाई, और पाई का वैल्यू कितना लिखना था 3.14। सॉल्व इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,674.88/100। इसको 100 से फिर डिवाइड कर देंगे तो ₹156.75, यानी कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कितना हो जा रहा है 156.75 रुपीज़, एंड मिल्क इज कम्प्लीटली फिल्ड इन कंटेनर इन ₹209। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 मीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इन टू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इन टू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है इसका वर्टिकल एंगल जो है 60 डिग्री का है, और इसको मिडिल से बीचों बीच क्या करता है टू इक्वल पार्ट में कट किया जा रहा है
ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, क्योंकि 28 टोटल बीच में काटेगा तो 10 10 करके डिवाइडेड हो जाएगा ये। अब क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म सो ऑब्टेन इज ड्रॉन इन टू ए वायर ऑफ डायमीटर 1 बाई 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो फर्स्ट टर्म हमको मिल रहा है इधर से, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से, इस फर्स्ट टर्म को क्या कहा जा रहा है, इसको एक वायर में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है गला के, ठीक है, पिघला के। तो हमको लेंथ ऑफ वायर निकालना है, जिसमें मेरे पास इसका डायमीटर दिया हुआ है, वायर का जो है डायमीटर दिया हुआ है मेरे पास 1 बाई 16 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन को हम ए बी सी ले लिए हैं, और ये हाइट को ले लिए हैं, डी ले लिया, जहाँ कट किया वहाँ पर जी ले लिया, और ये जो मेरे पास फर्स्ट टर्म बना वहाँ पर ई और एफ दे दिए, नेमिंग दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए ई जी बन रहा है, ए ई जी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का बन रहा सीधा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम पाई लगाते हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, ये मेरे पास 60 डिग्री है, तो बीच में कट रहा है, तो ये क्या होगा 30 30 होगा दोनों साइड में, वर्टिकल एंगल है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बीच में इसको कट कर रहा है, तो हाफ हाफ करके हो रहा है ये, क्योंकि रेडियस में जाएगा तो बीच से ही जाएगा वो मिडिल से ही, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए जी बाई ए जी होगा ये, क्योंकि ये 10 30 डिग्री, 10 क्या होता है यहाँ पर पी बाई बी, तो इस 30 डिग्री का पी ए है और ये ए जी क्या है बी है, तो ए जी बाई ए जी इक्वल टू कितना हो गया 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1 बाई रूट 3, और ए जी का वैल्यू हमको मालूम है 10 है, क्योंकि ये 20 का हाफ है, तो ये 10 उधर चला गया, तो ये कितना आ गया 10 बाई रूट 3। अब रूट 3 नीचे में, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रूट 3 बाई रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जा रहा है 10 रूट 3 बाई 3, यानी ए जी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 10 रूट 3 बाई 3, मतलब ई जी क्या है, ये एक रेडियस है, ये जो फर्स्ट टर्म बन रहा है उसका एक रेडियस हो गया, ठीक है। अब मेरे पास इन ट्राइंगल ए बी डी, अब लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी ये बड़ा ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें भी थीटा मेरे पास कितना 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा बी डी बाई हो जाएगा ए डी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी बाई ए डी, तो ए डी कितना 20, तो 20 बाई रूट 3 हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना 20 रूट 3 बाई 3, ये बी डी हो गया मेरे पास 20 रूट 3 बाई 3, तो ये बेस का रेडियस हो गया 20 रूट 3 बाई 3, और अपर का रेडियस हो गया मेरे पास 10 रूट 3 बाई 3। देयरफॉर वी कैन राइट द रेडियस ऑफ अपर इन R1 इक्वल टू 10 रूट 3 बाई 3 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ लोअर इंड R2 इक्वल टू 20 रूट 3 बाई 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कंटेनर H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इसमें मेरे पास वायर का डायमीटर दिया हुआ है 1 बाई 16, तो इसके लिए हम वही जो वायर बना है मेरा किससे बना है, फर्स्ट टर्म से बना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए R1 R2 और H मेरे पास गिवेन है, सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 बाई 3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 पाई H का वैल्यू क्या था मेरे पास 10 है, और R1 हम अभी निकाल चुके हैं 10 रूट 3 बाई 3 हो गया, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मीन्स 20 रूट 3 बाई 3 का होल स्क्वायर, R1 इंटू R2 मीन्स 10 रूट 3 इंटू 20 रूट 3 बाई 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है 10 बाई 3 पाई, ये हो गया 100 बाई 3, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 400 बाई 3, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 200 बाई 3, ये मेरे पास कैंसिल आउट भी होगा, ये जो आ गया 20 रूट 3 बाई 3 इंटू 3, तो इस तरह से कट के मेरे पास 400 बाई 3 आ रहा है, ठीक है, हम टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखे हैं, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 10 बाई 3 इंटू 22 बाई 7 इंटू ये आ गया 700 बाई 3, ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया 22,000 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी से वायर बन रहा है, ठीक है, तो वायर का पहले हम देख लेते हैं, वायर में मेरे पास दिया क्या है, वायर में मेरे पास रेडियस ऑफ वायर आर इक्वल टू दिया है 1 बाई 16 इंटू 1 बाई 2 हो जाए, क्योंकि उसका डायमीटर दिया था 1 बाई 16, तो उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 बाई 32 सेंटीमीटर, ये मेरे पास रेडियस दिया हुआ है। लेट द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल, क्या लेंथ जो है हम उसको एल ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वायर मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, यानी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हो गया इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो
ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, मतलब फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। यानी फ्रस्टम से ही मेरे पास वायर बनाया गया तो दोनों का तो इक्वल होगा ही। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम फाइंड कर चुके हैं 22,000/9। अब वॉल्यूम ऑफ वायर कितना है, 22/7, पाई का वैल्यू हो गया 1/32 का स्क्वायर इंटू एल। सॉल्व करेंगे इसको, 22,000/9 इक्वल टू 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32, 1/32 का स्क्वायर है इंटू एल। अब ये सारा वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो 22/9 इंटू ये 32 ऊपर चला जाएगा, ये भी 32, ये 22 नीचे आएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7/22 इंटू 32 इंटू 32 इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो टोटल कैलकुलेट करके मेरे पास एल का वैल्यू आ जाएगा 71,68,000/9। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7,96,444.44 सेंटीमीटर। ये आ गया लेंथ, ये सेंटीमीटर में है। इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये दो डिजिट और ये आगे आ जाएगा। यानी कितना हो जा रहा है मेरे पास, एल इक्वल टू 7,964.44 मीटर। यानी लेंथ ऑफ वायर जो है वो हो जाएगा 7,964.44 मीटर। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के लेवल से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर आता ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।